है, लोग चिल्ला रहे हैं इसलिए वो परेशान हो रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग आ पहुँचे हैं चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर में क्या करेंगे बाबा, चिड़ियाघर में अपन अंदर चलते हैं, देखेंगे अभी कुछ नया अपडेट वगैरह चिड़ियाघर में हुआ है। वैसे मैं पहली बार एक दो बार और आ चुका हूँ, लेकिन अभी कुछ कुछ चीज़ें नहीं आई हैं, तो वो चीज़ अपन देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले अपन चलते हैं, टिकट ले लेते हैं बाबा यहाँ का। चलिए तो फाइनली दोस्तों हम लोगों ने ले लिया है लाइन में लग के टिकट, और टिकट आई है कितने रुपए की, 20 40 रुपए की टिकट आई है। और ये टिकट केवल जो है एक्सटीरियर वाला जितना भी रहेगा उसको घूमने के लिए है, और अंदर अलग अलग जगह होगी, फिर अलग अलग टिकट भी है, वो भी देखेंगे कि कितनी क्या टिकट है। चलिए सब ये लगी हुई है फोटो खींचने के लिए, इधर उधर सेल्फी लेने के लिए, वीडियो बनाने में मेरी कोई मदद नहीं कर रही है। देख रही बोले अच्छे अच्छे व्यू जा रहे हैं बाबा, तो अपन सेल्फी लेने का है क्या? नो भैया, ये गलत बात है ना। इसके अंदर आके इतनी सारी हरियाली देख के तो हर किसी का मन करेगा ना फोटो खींचने का। हरियाली इतनी सारी है और मौसम जो है ना इतना प्यारा हो रखा है ना, जिसका कोई जवाब नहीं है। धूप भी नहीं है और ज़्यादा अंधेरा भी नहीं हो रहा, इतना खुशनुमा मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी प्यारी हवा चल रही है। ये बाबा ये आ चुके हैं जैकल्स, जैकल्स दिखते रहे बाबा, जैकल्स किधर है अंदर, इसमें जैकल्स जैकल्स यूज वाइड वेराइटी साउंड टू कम्युनिकेट। जैकल एक भी नहीं दिख रहे हैं, जैकल सारे छुप गए हैं। प्रिया जैसे ही आई इसको देख के सारे जैकल छुप गए इसके डर के मारे, बोले जैकालों की सरदार आ गई भागो। ये देखो, देख सकते हैं, ये फिर सेल्फी लेने में लग गई। आज तो बाबा चिड़ियाघर की मतलब एक कोई कोना नहीं बचेगा जिसमें सेल्फी नहीं ली जाएगी बाबा। क्या क्यों सेल्फी क्वीन, सेल्फी क्वीन कौन से एंगल से सेल्फी क्वीन? या बैक कवर लगवा लिया सेल्फी क्वीन, देख लो आप हर जगह की रही क्या नहीं रे बाबा। हाँ हाँ, क्या मौसम हो रखा है रे, मज़ा आ रहे हैं देखते से घूमते से, प्यारी प्यारी हवा चल रही है ठंडी। किधर जाने का कुछ समझ में नहीं आ रहा बाबा, ये क्या है, किधर क्या है रे? इकबाना, इकबाना है रे। और घंटे तो डर लग रहा है उसे देख के, देखना बड़ा भयंकर बारना निकल आए। अबे बार मत निकल रहा रे तू, नहीं बस अब भग जाएंगे चिड़िया घर में से। लग रहा है कि है ना उसे चिपक गई है। ये आ चुका है, फनी मिरर लगे हुए सारे। अबे पतले दिख रहे, पतले इसमें तो भाई, इसमें देख मोटे मोटे इसमें, अबे इसमें क्या ऊपर नीचे डबल, अबे इसमें सही दिख रहे, सिंपल इसमें सही दिख रहे, बॉडी दिख रही है भाई की। इसमें सही दिख रहा, ओबे ये क्या हुआ इसमें, ओ ये क्या है, जादू जादू ही मिल चुका है। पक्षी विहार बर्ड एवरी आ गई है, टिकट ले लो बाबा, मात्र 25 रुपए का टिकट है। प्रिया लेने आ रही है डिस्काउंट के साथ में। पैसे हैं कि नहीं है, क्या मैं दूँ बेचारे का बरस खाली हो गया उसको, टेंशन नहीं ले शाम तक जाएंगे तो पूरा खाली हो जाएगा। तो फाइनली प्रिया ने जो है टिकट ले लिया है, 25 रुपये का एक पर पर्सन टिकट है,
दो जनों का 50 रुपये का टिकट आया है, और अभी अंदर जाके देखेंगे कि क्या कैसा, क्योंकि मैंने भी कई बार चिड़ियाघर आ चुका हूँ, लेकिन ये चीज़ नहीं देखी मैंने अभी, मैं भी फर्स्ट टाइम विजिट करूँगा। दरवाज़ा कैसा है इसका? दरवाज़ा बहुत ही अनोखा प्रकार का दरवाज़ा है यार, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। छेनी छेनी लटकी हुई है, इससे पक्षी बाहर नहीं आ पाए। बहुत सही लगा है यार, फस गए रे। अरे वाओ, कैसा लग रहा है? यार गांव ऐसा फील हो रहा है, गांव ऐसा नो नो नो, गांव में कब से बनने लग गया ऐसा यार, क्या बोल रही, गांव ऐसा फील हो रहा है यार। कैसा लग रहा है? बहुत प्यारा लग रहा है, इसको देख, इसको देख। क्या कौन सा है? वाह यार, कितना प्यारा लग रहा है यार, वाकई में यार देखो इसे, गजब का लग रहा है, गजब। बैठा किस तरीके से है? आराम से मजे ले रहा है वो बैठ के। हाय हाय कर दो इसे। हाय हाँ कर रहा है वो, कर दिया उसने। आया खा ले, निकाल के जूस बना ले इसका। गन्ने वन्ने का बहुत प्यारा बना के रखा यार इसको। फिर सेल्फी फोटो खींचोगे? मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये फोटो खींचेंगे बाबा आज तो। ये पूरा देखें बना के कैसा रखा है, ऊपर जालियाँ लगी हुई है जैसे कि पक्षी वगैरह जो है बाहर ना निकल पाए, और फ्रंट में जो है चेन की जो इसको अपन जंजीर बोलते हैं वो लटका के रखी है, इससे पक्षी एक भी बाहर नहीं निकल पाएगा। और एक नेचुरल पूरा माहौल देखें एक बार, पूरा नेचुरल माहौल बना के रखा है कि पक्षियों को मतलब इस जगह पे आके कुछ अलग ना लगे, मतलब उनको ऐसा लगे कि अपन अपनी जगह पे हैं। वाओ यार, इसमें छोटी छोटी मछलियाँ हैं अंदर, क्यों पर ये क्या है इसके अंदर? हाँ, ये देखो फोटो खींच रही है वाह मछलियों के, ये सिक्के कौन डाले रहे? ये देखो लोग सिक्के डाल के गए, वही मंदिर वाली कहानी अपनी जो हर जगह होती है। ये देखें लोगों के काम, बहुत ही शानदार काम हो रखे हैं यहाँ पे भी इंदौर के, ये बड़े एरिया में सिक्कों से भर दिया पूरा, देखो पूरा सिक्कों से भर दिया है। लो आप बनाओ, मैं नहीं बना रहा, आप करोगे लोग। चलो चलते हैं आगे, चलते हैं अभी देखते हैं आगे। अरे बाबा, गन्ने के खेत में आ गए भैया, गन्ने के खेत में आ गए रे। कैसा लग रहा है इधर? लग तो अच्छा रहा है, ये क्या है इधर? इधर पक्षी वगैरह सब अंदर है, आइए अंदर चलते हैं, आपको नज़ारे दिखाते हुए मैं चलता हूँ। ये आपको सही से नज़ारे नहीं दिखा पाएगी, ये मैं ही दिखा सकता हूँ, दिए देखो आप चैंपियन हो। वाओ यार, पूरा रास्ता देखें एक बार तो, कि रास्ता टेढ़ा मेढ़ा रास्ता जा रहा है बराबर, ये जा रहा है इधर काफ़ी नेचुरल फील। और वाओ, ये देख इसके बीच में क्या है? हाँ यार, ये देखो रंग बिरंगे तोते, ये रंग बिरंगे तोते बैठे हुए अंदर इसके। वाओ, ये खाने में लगे, देखें कितना प्यारा वो लग रहा है यार वाकई में, सीन क्यों कैसा लग रहा है देख। वो तेरे वाले कपड़ों की मैचिंग दिख रही है वो तोते, देख पीले वाले वो बैठा है देख। चलो और देखते हैं अभी आगे क्या है। ये लिखे, ये तोते बैठे हुए हैं, डोंट टच द बर्ड्स, भैया जब भी चिड़िया करा रहे टच मत करो इन्हें। ये देख वाओ, कितने प्यारे दिख रहे हैं देख, ये देखें, और मत कर उड़ रहे हैं देख के। ये देखें, ये बैठे हैं। पहले तो अपना नाम बता दीजिए भैया जी। हाय, मेरा नाम शुभ त्रिपाठी है। हाँ जी, और मैं बर्डेवेरी में यहाँ पर काम करता हूँ। ओके, और बर्डेवेरी को शुरू हुए लगभग एक साल होने आया, दिसंबर में एक साल हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर 400 बर्ड्स हैं, 30 प्लस स्पीसीज की, और इनको दिन में 3 टाइम खाना दिया जाता है सुबह, मतलब इनका शेड्यूल फिक्स है खाने का, कि कभी कभी मतलब दिन में मतलब इन्हें सीड मिक्स दिया जाता है। okay. पांग, बाजरा, हाँ जी, सूरजमुखी और अलग अलग वेराइटी के सीड उसको दिए जाते हैं,
फिर दोपहर के टाइम पे उनको बॉइल्ड करके कैरेट्स और मोट और चना और मतलब एकदम न्यूट्रिशियस डाइट मिलता है, जो न्यूट्रिशन उनको होने चाहिए वो अपन देते हैं। रोज उनको पानी भी अलग अलग टाइप से देते हैं, जैसे किसी दिन टर्मरिक वाटर देते हैं, किसी दिन हिबिस्किस वाटर देते हैं, तो हर दिन इनका पानी भी अलग रहता है। अच्छा, तो इनका यहाँ पे मतलब इनकी हेल्थ और ये सब का काफी ध्यान। अच्छा, मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, इंदौर का जो अपना क्लाइमेट है, जो नेचर है, तो उसके हिसाब से क्या ये वो मतलब इनको कोई दिक्कत परेशानी ऐसा तो कुछ नहीं होगा वैसा? डिजाइन इतना साइंटिफिक है, इतना कैलकुलेट करके बनाया गया। हाँ जी, कि किसी भी प्रकार से कोई भी एनिमल को यहाँ पे परेशानी नहीं होती है, बहुत ही स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट है बर्ड्स के लिए, और वही सक्सेस का राज है इवेरिका की, स्ट्रेस नहीं है बर्ड्स को। और अपने इंदौर का जो अभी अपना बनाए एवेरी जो अपना है, तो मैं बोलना चाहूँगा इंडिया में जितने भी बने हैं अभी, तो उससे कुछ खास है क्या इसमें? ये जो एवेरी है सर, ये दुनिया की इकलौती एवेरी है। ओके, यहाँ पे लाइक यू हैव बर्ड्स एज स्मॉल एज 2 inches, ओके, एंड इट गोज अप टू एज लार्ज एज 2 feet। ओके, पूरी दुनिया में अलग अलग एवेरी है जहाँ पे अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग चिड़िया होती है, या फिर मीडियम बर्ड्स और लार्ज बर्ड्स होती हैं। ओके, पूरी दुनिया में सिर्फ इंदौर जू है जहाँ की एवेरी में छोटी छोटी बर्ड्स भी हैं और इनके साथ रहने वाली बड़ी बर्ड्स भी। क्या बात है, क्या बात है। तो यार देख सकते हैं अपने भैया जी ने जो है कितनी सही जानकारी दी है, और मैं बस एक ही बात बोलना चाहूँगा भैया के लिए, यार इनको काफ़ी अच्छा नॉलेज है, और मेरे को नहीं लग रहा इनके होते हुए कोई दिक्कत आने वाली है एवेरी के अंदर। ओके, थैंक यू। चलिए अपन और देखते हैं अंदर चल के कि क्या है। हाँ जी, समझ लिया। हाँ। एवेरी के बारे में कौन कौन से पक्षी हैं भैया दुनिया में, एक इकलौती अपनी है एवेरी। हाँ। तो भैया ये चीज़ भी इंदौर के लिए काफ़ी प्राउड फीलिंग वाली है, मतलब एक मात्र एवेरी यहाँ पे छोटे से लेकर 2 इंच तक के बड़े पक्षी यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये देख सकते हैं। ये बेटा हुआ एक रेड वाला, मावा बच के चौंची मार देगा। व्हाइट वाला देखा था, ब्लू वाला देखा था, अब ये रेड वाला भी देखा। रेड वाला अभी और भी कलर वाले आने हुए हैं, आने वाले हैं। इधर नहीं जाने का प्रवेश निषेध लिखा हुआ है। यार कैसा लग रहा है? बहुत प्यारा बना के रखा यार, मतलब जो फैसिलिटी पक्षियों को देनी चाहिए वो वाकई में दे रहे हैं। यहाँ पर प्रवेश का परमिशन नहीं है, वो ये जगह है, यहाँ पर नहीं जा सकते। इसमें भी पक्षी हैं, देख सकते हैं, ये छोटे छोटे अंदर हैं, वहाँ तक है। और अपन जा रहे हैं इधर। इधर क्या है बाबा? प्यारा है ये चीज़ तो यार, देखने लायक है यार। इंदौर में जब भी आओ एक बार देखना बनता है बाबा ये। नाखून चुभेंगे, गिराना नहीं है। कौन सा तोता है ये? ये ब्लू गोल्ड मकाव है, साउथ अमेरिकन पैरेट से, दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तोते। अबे साउथ अमेरिकन नागम मत। अभी वो मुझे देख रही है, उसका ध्यान मेरी तरफ है, इसलिए बैठी हुई है। ये डाइट में क्या लेती, क्या खाती है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स, नट्स, ड्राई फ्रूट्स। आपको सर अपना नाम बता दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम गौरव है। ओके, मैं यहाँ पर बर्ड कीपर ट्रेनर हूँ इंदौर जू एवरी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरी ओपन बर्ड एवरी है, प्लांटेशन में करा हुआ है, और इसके अंदर कई सारे एग्जॉटिक बर्ड्स हैं जो इंडिया के बाहर से, उनको ओपन में रखा हुआ है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ करीब 450 पक्षी अलग अलग, आप देखेंगे पूरे कलर कलर के आपको होते हुए। बिल्कुल, तो ये पूरा फ्री फ्लाई है, वो आराम से उड़ सकते हैं पूरी जगह। ओके, इसके सर जो अपने यहाँ पर जो बर्ड है
तो उनके बारे में बताइए सर ज़्यादा, कौन कौन से स्पेशल बर्ड है अपने यहाँ पर? तो यहाँ बड़ी स्पीशीज के अंदर आप देखेंगे यहाँ ब्लू गोल्ड मकाव है, ओके, ये साउथ अमेरिकन पैरट्स है, ओके, ये दोनों फीमेल्स हैं, उनके दो मेल नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, ओके, तो ये दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तोते हैं। वाओ। और इनमें से एक का नाम मेघा और एक का नाम सारा है। अच्छा, मेघा और सारा। ओके, आप ये देख रहे हैं ये गाला कॉकटू है, ओके, ये ऑस्ट्रेलियन पैरट्स है, ओके, और ये भी पाँच है टोटल यहाँ पर। अच्छा, आप यहाँ देख सकते हैं बैठे हुए, बहुत शानदार। ये ग्रुप में रहने वाले बर्ड्स हैं और ये ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। यहाँ पर है अफ्रीकन ग्रे पैरट, ये दुनिया के सबसे स्मार्टेस्ट पैरट्स में से हैं। दे कैन स्पीक मोर देन 3000 वर्ड्स, दे कैन लर्न मोर लैंग्वेजेस, तो ये बहुत स्मार्ट और इंटेलेक्चुअल पैरट होते हैं और इसीलिए बहुत ही मतलब आपको देखने को मिलेंगे पास से और इंटरेक्टिव होते हैं। देन अगेन आपको यहाँ पर दिखेंगे जो वहाँ सामने आपको एक बार देखेंगे तो ये पूरा जो एरिया है okay. पूरे इसमें प्लांटेशन वगैरह किया हुआ है। बिल्कुल, प्लांटेशन हेल्प करता है इनका हैबिटेट बनाने में, ओके okay. तो ये सभी उन चीज़ों को पूरा करता है जो कि यहाँ लैक करती है okay. हम इनको पूरा एक बायोस्फीयर की तरह है, कई सारी अलग स्पीशीज भी है, साइकिल बनाती है, तो ये पूरे बर्ड के लिए पूरा सस्टेनेबल है। बहुत शानदार सर, ओके सर, थैंक यू। पूरा घूम के ऊपर टॉप पर जाके उधर से और ये एग्जिट होने वाले हैं अपन। अब चलिए वापस से चेन में से वापस आ चुके हैं। जिन्होंने टिकट लिया था 50 रुपये का वो आ चुके हैं। तो भैया कैसा लगा बड़े एवेरी में अंदर जाके? सारे अलग अलग बर्ड्स देखने को मिले, रंग बिरंगे। सबसे अच्छा कौन सा वाला लगा? ब्लू वाला हाँ। मेरे को व्हाइट वाला बहुत प्यारा लग रहा था। व्हाइट वाला और जो ऑस्ट्रेलियन गिरे थे ना वो भी बहुत प्यारे लग रहे थे। एक रेड तो एक ही था ना। हाँ, एक ही था और सारे अच्छा था। मतलब मैं यही बोलना चाहूँगा, जब भी आ रहे हैं ना एक बार चिड़ियाघर इंदौर जू में यार, तो एक बार बर्ड एवरी जरूर देखें। और उन्होंने जो चीज़ उन्होंने बनाई है, जिस तरीके से मॉडिफिकेशन करा है उन्होंने और जो डिजाइनिंग करी है पेड़ पौधे की हर एक चीज़ की, वो बहुत शानदार करी है। और अंदर जो भैया वगैरह जो सर देख रहे हैं, खाने पीने का सारी चीज़ें देख रहे हैं यार वो लोग, मतलब बहुत ही सही है। तो आएँ घूमें यहाँ पे और मज़े लें। अभी अपन बाकी की और चीज़ देखेंगे इधर। बाबा यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये कौन सा है? छोटा वाला मंकी, छोटा मंकी। अबे ये कैसा दिख रहा है? छोटा बंदर टाइप ही दिख रहा है रे, बिल्कुल छोटा बंदर है ये। सागर जूस वाले के इधर था वही है ये छोटा सा। ये देखो कैसे खाने में लगा हुआ है, दे दे ये खा रहा है, वो नहीं देख रहा किसी को भी। देखो ये बाबा अबे कैसे खा रहा है ये। प्रिया भी भूखी रहती है तो ऐसे ही खाती है, कुछ मिलता जुलता ही खाती है ऐसे तरीके से। अपना बता रहे हो? कहीं मैं अपना नहीं बता रहा हूँ ना, यही खाती है अभी। हाँ, खाते थोड़ी देर पहले बैग समोसा कैसे खाया था? थोड़ी देर पहले बैग समोसा कैसे खाया था? इसी तरीके से बैग समोसा खाया था इसने। तो बाबा पच्ची प्यार से बाहर निकल के आ गए अपन, और यहाँ पे अपने को कुछ ये स्नैक का सांप घर जो है वो बना हुआ है। ये पूरा बाबा यहाँ से यहाँ तक बहुत खतरनाक तरीके से बनाया गया है। ये है, ये पूरा जा रहा सांप के जैसा ही बनाया है जो कि हुआ हुआ। और देख सकते हैं सांप घर स्नैक हाउस। स्नैक पार्क का टिकट 5 रुपये अलग से लगेगा भैया, है ना? ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं इस पर। चलो टिकट ले लेते हैं, टिकट काउंटर इधर है। ये आ चुका है फाइनली सांपगढ़, टिकट ले लिया हमने 5-5 रुपये के दो टिकट। स्कैन हो गया बाबा मशीन में, चलो अंदर। दो टिकट बोल दिया मशीन ने। आ गया ये सबसे पहले अजगर, सबसे पहले अजगर के दर्शन। वो लेटा हुआ है, वो लेटा है। देख सकते हैं माहौल, भीड़ का बहुत माहौल चल रहा है अभी। सेल्फियाँ भी चल रही है बराबर। ये देख सकते हैं सेल्फी लेना चालू हो गई,
वापस से सांप के साथ में सेल्फी नो 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 सांप के साथ में सेल्फी बाबा ये बहुत खतरनाक सांप है रे बाबा येलो वाला बर्मिस पाइथन भयंकर रे बाबा और रे कितना बड़ा है रे ये तेरी अरे बहुत बड़ा सांप है रे बाबा ये देखो यार क्यों कैसा लग रहे तीरे तीरे पीले पीले कपड़े जैसे हो रहे हैं रे वो इसमें कौन सा है कॉमन सेंड बुआ कॉमन सेंड बुआ कहाँ है रे बाबा वो छोटा होगा कि छुपा हुआ वो रहा वो है वो उस रेक के अंदर है वो उस रेक में सोया हुआ वहाँ उस रेक में सोया है रेक के अंदर सोया हुआ है वो इसकी पूरी जानकारी लिखी हुई है तो भैया डर तो नहीं लग रहा ना तेरे को डर तो नहीं लगा बाहर निकल के आ गया कहीं तो नहीं निकलेगा बाहर आ गया तो बेटा सबसे पहले मेरे को ही कहेगा ये देख सकते हैं स्नैक जूस देखने के बाद में हालत सही करने में लगी हुई है अपने को स्नैक जूस देखने के बाद में मैं तो स्नैक जूस अच्छा लगा ना 5 रुपये कैसे वसूल है यार 5 रुपये में बर्मिस पाइथन देख लो बाबा डेंजर वाला क्यों क्या बोलना चाहेंगे कैसा क्या लगा अच्छा लगा सारे कई प्रकार के अच्छा देखने को मिले ओके हाँ। और क्या बोलना चाहेंगे आप इसके बारे में अभी देखते हैं और आगे स्नैक वाला तो अच्छा लगा यार ये तो 5 रुपये वसूल है कुछ भी भाई साहब अभी इधर आ चुके हैं ये वो है घड़ियाल घड़ियाल है ये और इसके जस्ट बगल में है मगरमच्छ प्रिया देखना बाहर नहीं निकल के आए तेरे को खानी जाए कहीं देखना बाहर निकल के खानी जाए तेरे को डेंजर मगरमच्छ ये लेटे हुए हैं आराम फरमा रहे हैं डाइट लेके अपनी हाँ हाँ एक ये बाबा बड़ा और ये सबसे बड़ा ये लेटा हुआ ये है नीचे पानी चल रहा है इनके लिए बराबर स्विमिंग पूल में नहाने के लिए स्नान के लिए है नकली है छोटू ये नकली नहीं है बेटा ये असली है ये खराब होगी रे चक्कर से आ गया मेरे को तो ये खरीदी देख देख के है ना गई क्या थक गई क्या शेर कैसे दहाड़ रहा है डर लग रहा है उसकी दहाड़ के पास से क्या हुआ डर लग रहा है क्या अरे बाप रे छोरी डर गई रे शेर की दहाड़ से डर गई देखो भैया शेर लोगों के कारण डर के कारण चिल्ला तो शेर ने दहाड़ना चालू शुरू कर दिया एकदम से ये देख सकते हैं क्या माहौल हो गया आ चुका है ब्लैक टाइगर एंड वाइट टाइगर वाइट टाइगर दिख रहा है यहाँ से ही बैठा हुआ है ये आराम से मजे दे रहा है आराम कर रहा है तो भैया ये बैठा हुआ वाइट टाइगर पीले वाले जो टाइगर है वो तो ढंग से नहीं देख पाए क्योंकि चिढ़ गए वो एकदम से क्यों कैसे कर रही वो सिरनी आवाज़ दाड़ रही थी बहुत भयंकर दाड़ रही थी क्या और फिर इसी के कारण लोगों को उन लोगों ने बोला कि यहाँ से निकल जाओ क्योंकि चिढ़ रहे हैं शेर देख के इसलिए उधर से निकल आए हम लोग इधर अभी देखते हैं और आगे जाते हैं क्या है क्या नहीं रिद्धि सिद्धि फूड जोन यहाँ पर थोड़ा खाएंगे माल निपटाएंगे क्योंकि भूख लग रही है बहुत ज़्यादा यार बहुत तेज़ भूख लग रही है काफ़ी देर से क्या खाना चाहिए यार अंदर देखते हैं चौपाटी है पूरी भूख लग रही है ताबड़तोड़ तरीके से सबसे पहले भैया
पानी पूरी की मिल गई स्टॉल अपने को, पानी पूरी निपटाएंगे बाबा। डोसा बनवाएंगे 50 रुपए का एक। अंकल जी एक डोसा बना दीजिए। बनेगा बाबा अपना डोसा बेहतरीन वाला। प्रिया देख रही है इसके मुँह में आ रहा है क्योंकि पानी वैसे भी चटोरी है ही सही एक नंबर की। तब से बोली भूख लग रही है, भूख लग रही है। अब जन पूरी चाट जो अपन चटोरे पाने दिखाने उसकी चौपाटी में ही आ गए पूरे। ये बंदा भैया अपना डोसा बेहतरीन तरीके से। फाइनली अपना डोसा आ चुका है और खाने के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं? हाँ मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ खाने के लिए। तो सबसे पहले ट्राई करता हूँ यार पहला बाइट। मौसम भी एक नंबर हो चुका है, अभी डोसा वाला ही हो चुका है। ये नंबर अल्टीमेट स्वाद है यार, मज़ा आ गया। पूरा जो साउथ इंडियन फ्लेवर होता है ना वो। तो आपको कैसा लगा? अच्छा। कैसा लगा स्वाद इसका, बिजरा इसका, मजे आए कि नहीं आए? बस 50 रुपये में पैसा वसूल चीज़ें रे बाबा, एक नंबर वाली गर्म गर्म पेट भर जाएगा एक प्लेट में। यहाँ पे भीड़ हो रही हो। ये बाबा पिज्ज़ा खाते हुए हमारे बजरंग बली भगवान पिज्ज़ा। मैं क्या देख रही हूँ साथ मेरे को ही मिल जाए। तो फाइनली इसी के साथ में पूरा चिड़ियाघर घूम चुका है, पूरे मज़े आ गए, अलग अलग जानवरों को देखा, नए नए भी अभी कई सारी चीज़ें करी हैं चिड़ियाघर के अंदर दोस्तों, जैसे कि बर्ड एवरी वगैरह है। स्नेक जू आज तो पहले था लेकिन बर्ड एवरी अभी नया आया है तो वो काफ़ी उन्होंने अच्छा बना के रखा है, बहुत ही मज़ेदार हो चुका है अभी चिड़ियाघर जो है। और चौपाटी में अलग अलग जो व्यंजन है खाने के यार मज़े ही आ जाते हैं खाने में, एक नंबर मामले बाबा। इधर आपको कैसा लगा भैया? सारा चिड़ियाघर घूमने के बाद थकावट होती है ना, ओके वो है ना उसमें चौपाटी में जाके थकावट पूरी चौपाटी में जाके खा पी के सही हो जाती है। सही हो जाती है। और क्या मजा है चौपाटी में, क्या अच्छा लगा? सारी चीजें अच्छी थी, हमने खाया था डोसा वो भी एक नंबर था, पानी पूरी एक नंबर, वेज राइस एक नंबर। तो आओ बिल्कुल घूमो मजे लो। इसी के साथ में दोस्तों मैं ये वीडियो करता हूँ एंड, बिल्कुल आइए यहाँ पे। और हाँ एक बात और बता दूँ आपको यहाँ की कि अंदर जैसे इंटर करोगे 20 रुपये का टिकट लगेगा और बाकी जो बर्ड एवेरी और स्नैक्स हाउस है उसके 25 रुपये की टिकट अलग रहेगी, तो कुल मिला के 50 रुपये का टिकट लगेगा। तो बिल्कुल आइए घूमिए मजे लीजिए और मेरी जो वीडियो है उसको लाइक शेयर एंड कमेंट्स सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। थैंक यू सो मच।